दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चेहरे पर पिंपल्स होना, दाग धब्बे होना, फुंसी, ये सब आम बात हो चुकी है और कई सारे लोगों की ऑयली स्किन होने की वजह से भी चेहरे पर पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन सभी समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए कई सारी दवाइयां और क्रीम का सहारा लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप घरेलू उपाय और देसी नुस्खे अपनाकर भी अपने चेहरे से दाने और फुंसी हटा सकते हैं। इसका इलाज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई सलाह चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि चेहरे पर दाने होने का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला, पेट की बीमारी होने के कारण भी चेहरे पर दाने निकल आते हैं। नंबर दो, त्वचा को जरूरी पोषण ना मिलने के कारण भी चेहरे पर दाने निकल आते हैं। नंबर थ्री, चेहरे पर किसी तरह की एलर्जी हो सकती है। नंबर फोर, हार्मोन्स में असंतुलन होना भी एक वजह हो सकता है। नंबर फाइव, केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करते होंगे उनसे भी कई प्रकार की समस्या आपके चेहरे पर हो सकती है, इफेक्ट हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि चेहरे पर दाने फुंसी को हटाने के लिए कैसे आप देसी इलाज कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। नंबर वन, चेहरे की सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका चेहरा गंदा हो रहा है, ऑयली स्किन है, धूल मिट्टी जमी हुई है, तो चेहरे पर पिंपल्स, फुंसी वगैरह होना आम बात हो चुका है। अगर आप चाहे तो गाय के दूध में रुई भिगोकर भी अपना चेहरा साफ कर सकते हैं, इससे आपकी त्वचा निखरेगी। नंबर दो, ऑयली स्किन पर दाने वाले चेहरे के लिए उपाय, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपके चेहरे पर दाने निकलने लग गए हैं तो उसके उपाय के लिए आप मुल्तानी मिट्टी लेकर उसमें नीम का पाउडर और गुलाब जल मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए, और फिर आप अपने चेहरे पर लगभग 15 मिनट तक लगा कर रखें। उसके बाद आप चाहे तो अपना चेहरा धो सकते हैं और चेहरे पर दाने निकलना अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये सबसे रामबाण उपाय, आप ये घरेलू नुस्खा जरूर से अपनाएं। नंबर थ्री पर है, पुदीने की मदद से भी आप चेहरे पर दाने, फुंसी, फोड़े वगैरह भी हटा सकते हैं। आइए इसकी प्रक्रिया भी हम जान लेते हैं। आपके चेहरे पर अगर फुंसियां होने लग गई है, दाने होने लग गए हैं, या फिर उन पर खुजली होती है, जलन होती है, इस तरह की परेशानी अगर आपको हो रही है तो उन सभी से छुटकारा पाने के लिए आप पुदीने को पीस कर भी चेहरे पर लगाएं। इस देसी नुस्खे से आपके दाग धब्बे, मुहाजे साफ करने में आपको काफी फायदा मिलेगा। नंबर फोर पर है, नीम के पत्ते से भी आप चेहरे के दाग धब्बे खत्म कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आप चाहे तो नीम का पत्ता लेकर उसे पीसकर जहां पर भी आपकी फुंसी वगैरह हो रही है तो वहां पर आप उसे लगा सकते हैं, और या फिर आप चाहे तो नीम पत्ते को लेकर उसे उबाल कर भी उससे रोजाना फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चेहरे की सारी गंदगी हटा सकते हैं। आप चाहे तो नीम के जो पानी होता है उबला हुआ, उससे नहा भी सकते हैं। नंबर फाइव आखिरी नुस्खा है, तुलसी के इस्तेमाल से भी आप चेहरे के लिए दाने हटा सकते हैं और पिंपल्स, फुंसी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के बारे में आप सभी जानते होंगे। तुलसी में प्राकृतिक गुण मौजूद होने के कारण आप अपने चेहरे के दाग हटाने के साथ ही चेहरे की सुंदरता को वापस से पा सकते हैं। आपको तुलसी के पत्ते लेकर पानी में पीस लेना है, उसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाना है। दोस्तों, इस घरेलू उपाय को करने से फेस पर दानों का इलाज आपके कुछ ही दिनों में सॉल्व हो जाएगा और दाने निकलने बंद हो जाएंगे। इसी तरह से मैं आपको कुछ और उपाय देता हूँ जो कि आप हमारे मोर वीडियोस को देखकर भी चेक कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो गर्मी के कारण भी दाने निकल आते हैं, तो उसका उपाय है खीरा। बेसन से भी आप दानों को छुटकारा पा सकते हैं। फेस पर आप चाहें तो चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, चंदन का पेस्ट लगाकर भी। तो काफी सारे ये और उपाय हैं जो कि नीचे हमारे मोर वीडियोस की प्लेलिस्ट दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।